की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत कर रहे हैं आपके साथ वी लुकअप लिस्टिंग। वी लुकअप लिस्टिंग मतलब कि जब हमारे पास एक डेटा में हमारे जो यूनिक नंबर है वो रिपीटेड है, मतलब मल्टीपल टाइम उसमें रिपीट है, उस समय हम क्या करेंगे, ये चीज हम आज आपको बताने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं नेम हमारे पास है और ये नेम पूजा को देख लीजिए, पूजा हमारा नेम कई बार रिपीटेड है। अब मैं चाहता हूं कि जब वी लुकअप लगाए तो पूजा की जो वैल्यू है वो इकट्ठा एक जगह पे आ जाए, सारी पूजा एक जगह पे आ जाए। तो कैसे करेंगे इसके लिए, चलिए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। और यहां पे ध्यान रखिए कि अगर आप यूज कर रहे हैं लेटेस्ट एक्सेल, एक्सेल 2019, तब क्या करेंगे, तो उस केस में आपको अप्लाई करना है जस्ट फिल्टर फॉर्मूला। फिल्टर, हमने डेटा को सिलेक्ट किया और हमने सिलेक्ट कर लिया पूजा, एंड सॉरी हम इंक्लूड, इंक्लूड में मुझे पूजा नेम वाला कॉलम सिलेक्ट करना है और इक्वल टू पूजा करना है। ध्यान रखिए, देखिए फिल्टर का है, आपने एरिया सिलेक्ट किया, एरिया सेलेक्ट करने के बाद हमने बोला कॉलम सेलेक्ट किया, जिस कॉलम में आपको कंडीशन लगाना है उस कॉलम को इक्वल टू आपने पूजा कर दिया। अब यहां पे प्लस कीजिए, देखिए यहां पे आ गया आपका जीरो। ओके ओके, लेकिन ये लेटेस्ट वर्जन का है। अब आपके पास 2019 नहीं है तो आपका फिल्टर का फॉर्मूला नहीं होगा आपके एक्सेल में, तो आपका जो एक्सेल का फॉर्मूला है जो आपका वो 2019 का है और 2019 पे ही आपको दिखेगा। ठीक है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि अभी तक मार्केट में ऐसा नहीं है कि हर कोई 2019 ही है, बहुत लोग तो अभी 2007, आधे से ज्यादा लोग तो 2007 यूज कर रहे हैं, तो वो लोग इस फैसिलिटी को नहीं कर सकते। तो कैसे करें जब हमारे पास 2016 हो या फिल्टर का फॉर्मूला ना हो, उसके लिए हम एक लिस्टिंग मेथड जो कि मेरा बनाया हुआ है वो यूज करते हैं। हम एक कॉलम ऐड करेंगे और इस कॉलम में हम फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ का। अब काउंट इफ का फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी सिलेक्टेड लोकेशन में किसी भी सेल वैल्यू को काउंट करके बताता है कितना बार रिपीटेड है। जैसे किसने बताया कि पूजा 12 बार रिपीट है, बट मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जितने भी पूजा है सब कुछ सिक्वेंस है कि पहला पूजा, नीचे दूसरा पूजा, ऐसे तीसरा, चौथा, हर नाम के साथ यही करना चाहता हूं मैं। तो इस केस में हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला लगाया काउंट इफ का, लेकिन इसे थोड़ी सी चेंज कर दी, थोड़ा सा चेंज कर दी, हमने B2 से B2 कॉमा B2, ठीक है सर, ठीक है। और फिर हमने इसको नीचे ड्रैग करने से पहले F4 प्रेस कर दिया और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, और इसके साथ हमने कॉन्केटनेट कर दिया डैश के साथ पूजा, राइट। अब 1 पूजा, 2 पूजा, 3 पूजा, एक यूनिट बन गया। अब आगे की चीज आपको कराते हैं बस कुछ सेकेंड्स। तो जो लोग इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं उनके लिए सूचना है कि अगर आप पहली बार मेरी वीडियो चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं पर डे करीब 8 से 10 वीडियो रिकॉर्डिंग, 8 से 10 घंटे की रिकॉर्डिंग एक्सेल से रिलेट करती है अपलोड करता हूं। हर दिन आप मेरे साथ बहुत चीजें सीख सकते हैं। दूसरी, अगर आपको पूरी सिक्वेंस वीडियो चाहिए, मेरे चैनल पर आपको किसी चीज का सिक्वेंस वीडियो नहीं दिखेगा, आपको सिक्वेंस वीडियो चाहिए तो मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी जो रातिक जी जो कि दुबई से है और आपके रामजी पांडे जी जो है वो दिल्ली से है, तो आप लोग मेरे साथ लाइव क्लास ले रहे हैं, हमें इस तरह की क्लास आपको भी लेनी है तो मेरी वेबसाइट IPTIndia.com पे जाए एंड डेमो क्लास का फॉर्म भर दे। सूचना समाप्त और हम कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। तो यहां आपने देखा कि पूजा है और नीचे हमने यहां पे सीक्वेंस बना लिया 1 पूजा, तो एक यूनिक आईडी बन गया ना सर,
हर कोई यूनिक है, कोई रिपीट नहीं है इसमें। अब जी मुझे यहाँ पे क्या करना है कि सीरियल नंबर देना है, और सबसे पहले हम काउंट इफ लगा के पता कर लेते हैं कि जिसका हम लुकअप करने वाले हैं वो आखिर रिपीट कितना बार है, क्योंकि जितना बार रिपीट होगा मैं सीरियल नंबर उतना बार ही बनाऊंगा। और सीरियल नंबर बनाने का इसको मैंने बताया था फॉर्मूला कि इफ ऊपर वाले वैल्यू प्लस वन अगर ग्रेटर देन है 12 तो क्या करें, ब्लैंक कर दें, अदरवाइज ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन। इसमें एरर आने के चांसेस है तो हम यहां इस एरर का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि ब्लैंक को प्लस नहीं हो पाएगा ब्लैंक। और नीचे ड्रैग करने से पहले हम जी आई थ्री को, जो आई थ्री हमारा यूनिक है, उसको हमने फिक्स कर, और नीचे की तरफ एक संभावित एरिया के 50 नंबर हो सकते हैं उतने हमने नीचे तक ड्रैग कर। अब यहां हम लगाएंगे फॉर्मूला वी लुकअप का, वी लुकअप। और वी लुकअप में जैसे यहां देखिए 1-2 है, ऐसे 1 और -2 हम कॉन्केट कर देते हैं और फिर पूरे एरिया को सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे सीक्वेंस भी 1, 2, 3, 4, 5 नंबर दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये आगे बढ़ के मैच का फॉर्मूला लगा के हम कॉलम नंबर अपने आप ले लेते हैं, ठीक है। अब आगे इसको ड्रैग करना होगा तो G6 का हमने G फ्रीज किया, H3 हमारा पूरा फ्रीज होगा और A8 भी पूरा फ्रीज होगा, H5 का हमारा 5 फ्रीज होगा और A8 का A1 से A1 पूरा फ्रीज होगा। और इसमें एरर आने के चांसेस है तो हमने यहां पे इफ एरर का फॉर्मूला लगा दिया और फ्रीज को सिलेक्ट किया और नीचे की तरफ ड्रैग कर। अब देखिए फिल्टर फॉर्मूले में तो प्रॉब्लम थी, बट यहां और भी चीजें कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि इसके नीचे टोटल आ जाए, ठीक है, इसके नीचे टोटल आ जाए, तो हमने क्या किया, हमने जस्ट यहां पे कंडीशन दिया कि इफ ऊपर वाली वैल्यू अगर इक्वल टू है इसकी तो यहां पे टोटल आ जाए, ठीक है। नीचे ड्रैग करना है तो ड्रैग करने से पहले मुझे I3 को फ्रीज करना होगा, अब मैं नीचे ड्रैग कर सकता, जैसे ही खत्म हुआ यहां टोटल आ गया। अब यहां टोटल आ गया, मुझे मान लीजिए क्वांटिटी का टोटल और एमआरपी का एवरेज करना है, तो यहां सबसे आगे हम क्या करेंगे, कंडीशन देंगे कि इफ अगर ए जो है इक्वल टू टोटल हो तो सम का फॉर्मूला लगे और सम में मैं इसको K6 से K6 कर दिया और हम इसको बंद कर दिया और K6 को हमने कर दिया फ्रीज और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर, आ गया टोटल सर। साथ में मैं चाहता हूं कि एक जितना एरिया मुझे आया उतना फॉर्मेट हो जाए, मतलब कि बॉर्डर लग जाए उसमें, तो यहां हमने कलर दिया ए न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला। ईच फॉर्मूला में हमने बोला कि अगर एज है नॉट, नहीं ये नहीं, इसको सिलेक्ट कीजिए, एज अगर नॉट इक्वल टू ब्लैंक है तो क्या हो, तो बॉर्डर सेट हो जाए। और K5 और G5 में जो डॉलर लगा है वो हटा देते, इसलिए डॉलर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ए जब होगा तो ड्रैग होगा तो इंक्रीज होना चाहिए ना, इसलिए। तो फिर हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद एक संभावित लोकेशन में हमने बॉर्डर लगा, आप देख पा रहे हैं कि बॉर्डर हमारा उतना ही लगेगा, लगा है जितना हमारा डेटा, ठीक है। अब यहां पूजा के जगह पे मान लीजिए मैं मोहन करता हूं, मोहन, तो देखिए मोहन आया, तो मोहन ही 12 है, एक काम करता हूं मोहन को मैं बढ़ा देता हूं, तो बढ़ाया देखिए 13 हो गया सर, एक बार और बढ़ाता हूं मोहन,
14 हो गया। ओके सर, अब मान लीजिए यहां मैं देव का देता हूं, देव, तो ये आपका देव 10 है, 10 आ गया, घट गया, तो टोटल भी उसी हिसाब से ऊपर नीचे होगा। तो फिल्टर फॉर्मूला आप लगाते कब, जब आपको जस्ट उसका दिन चाहिए, बट मुझे उसके साथ साथ कुछ कैलकुलेशन भी करनी है, तो उस केस में हम इसी मेथड को अपनाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अब अगला जो लास्ट एग्जांपल मैं आप बताने जा रहा हूं, क्योंकि आज बहुत कॉम्प्लिकेटेड बताया है तो टाइम लगेगा प्रैक्टिस में। अगला जो एग्जांपल है वो है कुछ ए, अगला एग्जांपल हमारा ए कहता है कि मेरी वैल्यू, जैसे आपने पूजा को अलग अलग सेल में लेकर आया ना, इसमें क्या हुआ कि आपने पूजा को अलग अलग सेल में लिया, बट यहाँ जो मेरे पास मान लीजिए पूजा है, तो मैं चाहता हूँ जितने भी पूजा से 84 है कॉमा, नीचे आपका 43 है, इस तरह से कॉमा कॉमा करके आ गया। तो इसके लिए सिर्फ लेटेस्ट एक्सेल में ही इसका सोल्यूशन है, पुराने एक्सेल में इसका सोल्यूशन नहीं है, उसके लिए हमें वीवीए प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो क्या सोल्यूशन है, टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला। ठीक है, और टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला में हम देते हैं टेक्स्ट ज्वाइन, हमने बोला यहाँ पे ए चाहिए, उसके बाद हमने क्या किया, टू दे दिया ब्लैंक, और फिर इस फॉर्मूला यहां देते हैं। इस फॉर्मूला में हमने बोला कि ये पूरा का पूरा नाम इक्वल टू पूजा है, तो एरे कंसेप्ट इसको कहेंगे, अदरवाइज ब्लैंक। तो फॉर्मूला बना, रिजल्ट आपके सामने। तो ये फॉर्मूला वर्क कैसे कर रहा है, इसके लिए आपको समझने के लिए फॉर्मूला एवलेट में जाना होगा। एवलेट फॉर्मूला की बात है, यहां क्या है आपका कि इसने सारे नेम को पूजा के साथ मैच किया, जहां जहां पूजा मैच हुआ वहां वहां पे ट्रू आ गया, और जहां जहां पे ट्रू आया इफ ने वहां पे दे दिया नंबर, बाकी जगह पे दे दिया ब्लैंक। तो टेक्स्ट ज्वाइन को क्या मिला, पूरा नंबर। तो टेक्स्ट ज्वाइन को हमने बोला कि कॉमा से सेपरेट करना, कॉमा से ज्वाइन करना है और सेपरेटर कॉमा लगाना है, और साथ में जो ट्रू लिखा हुआ है, ट्रू का मतलब है कि जो ब्लैंक हो उसको आप इग्नोर कर दीजिए। तो ये समझ लीजिए, इसको जितने भी इमोटो कॉमा ओपन क्लोज दिखे तो कि ब्लैंक दिखे उसको इग्नोर कर दिया, और उतने का ही कंबाइन किया जितना हमारा नंबर था। ओके, ये टेक्स्ट ज्वाइन न्यू वर्जन में सर, पर 2009 में दीजिए जी नहीं। इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं, 2019 में लीजिए। तो इसमें आपको 2019 में ये लोअर वर्जन नहीं है, लेकिन लोअर वर्जन के लिए फिर हमें वीवीए प्रोग्रामिंग के जरिए इसकी कोडिंग करनी पड़ती है, या फिर आपके पास अनदर ऑप्शन है तो आप गूगल सीट पे जाके कर ले, गूगल सीट पे टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला अवेलेबल। ठीक है, ठीक है, ठीक। फिर फाइल की जरूरत पड़ेगी आपको, मेल कर दीजिए। चलिए आप बोल रहे हैं तो आपको कर देता हूं। तो लुकअप एंड रिफ्रेशन फॉर्मूले हमने आज खत्म कर दिए। ठीक है, ठीक है सर, अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे, उसमें एक दो फॉर्मूला अगर छूटा हुआ है देख लीजिएगा, अगर छूटा होगा तो हम उसको करा देंगे। ठीक है सर, आपका राशि जी एम एम राम जी पांडे जी और आता है एम राशि और कार्य।